हेलो स्टूडेंट्स, आवर टूडेज क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इससे पहले हमने एक छोटा सा टॉपिक किया है एडजस्टमेंट से रिलेटेड। अगर एडजस्टमेंट प्रॉफिट से ज़्यादा हो तो उसे हम एडजस्टमेंट रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे। सेकेंड हमारा टॉपिक आज का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले हमने भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया है, उसमें हमारे पास जो है वो केसेस आए थे। सबसे पहला जब हमें ओनली अमाउंट दी हुई थी, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई स्पेसिफाई रेट थी उसके अकॉर्डिंग हमने चार्ज किया था 6 मंथ्स का। अगर उसमें कुछ नहीं कहा गया था पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड रेट के बारे में, हमने 6% लिया था, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास आया था कि हमें ड्रॉइंग की अमाउंट दी हुई थी, इंटरेस्ट रेट दी हुई थी और साथ में हमें टाइम पीरियड डेट भी दी हुई थी कि किस डेट को विड्रॉ किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है बाकी के सेंस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट की थी। यहाँ हमारे पास दो केसेस आएंगे। जब हमारे पास जो अमाउंट है ड्रॉइंग की वो हर महीने अलग अलग है, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। और दूसरा केस हमारे पास ये आएगा व्हेन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज सेम इन एवरी मंथ। अगर हर महीने में अमाउंट जो है वो सेम है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। जब हर महीने अमाउंट अलग अलग है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं, जब हर महीने अमाउंट अलग अलग है तो दो मेथड होते हैं, सिंपल मेथड, इसके अकॉर्डिंग जितनी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, जितनी हमारी अमाउंट है ड्रॉइंग की इनटू में जितनी हमें इंटरेस्ट रेट दी हुई है और हर महीने जितने महीने के लिए वो विड्रॉ की गई है, ठीक है। वो इस सिंपल मेथड में हम हर जो भी अमाउंट होती है उसका अलग अलग से इंटरेस्ट रेट हर महीने का अलग अलग से निकालते हैं। प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड में एडिशन यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स करते हैं। ये प्रोडक्ट्स हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इनटू टाइम अप टू 31st मार्च, जितना भी हमारा टाइम लेफ्ट है और जो भी अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम बना लेंगे, एक साइड अमाउंट लिखेंगे, एक साइड टाइम लिखेंगे, कितना टाइम लेफ्ट है अभी फर्स्ट ड्रॉइंग के बाद, इन दोनों को कैलकुलेट करके थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे हमारा प्रोडक्ट, इनकी जो भी मल्टीप्लाई होगी वो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे उसका हम लास्ट में टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो भी हमारा टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स आएगा उसके इनटू में हम हमारी इंटरेस्ट रेट लिखेंगे और इनटू 1/12 एक महीने के हिसाब से हम निकालेंगे। इस मेथड से निकाला गया ब्याज 1/12 लेके जो हम ब्याज निकालेंगे और जो अलग अलग महीने का हमने दोनों की अमाउंट जो है सेम होगी, ठीक है। सेकंड केस हमारे पास क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया, जब हर महीने अमाउंट अलग अलग थी तो दो मेथड होते हैं, चाहे सिंपल यूज कर लो या प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड इजी रहता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, सिंपल मेथड में कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है। सेकंड केस हमारे पास क्या आएगा, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज सेम इन एवरी मंथ। हर महीने जो है विड्रॉ की जा रही है रकम पार्टनर्स के द्वारा, लेकिन हर बार जो अमाउंट है वो सेम है, तो चेंज कहाँ आएगा कि वो अमाउंट निकाल कब रहा है, यहाँ चेंज आएगा इसमें, ठीक है। अमाउंट सेम है लेकिन उसका जो निकालने का समय है वो हर बार अलग अलग है, दिया होगा अगर बिगनिंग में निकाल रहा है या बीच में या लास्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर हम एक एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं क्योंकि अमाउंट सेम है और पूरे साल विड्रॉ की जा रही है, एक ही रूल को फॉलो किया जा रहा है, अगर बिगनिंग में तो बिगनिंग में, लास्ट में तो लास्ट में, इसके अकॉर्डिंग एवरेज पीरियड निकालते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय में 2। जब पहली बार विड्रॉ किया है तो उसके बाद कितना टाइम बचा हुआ है, जब लास्ट विड्रॉ किया है तो फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने तक कितना टाइम बचा, डिवाइड बाय में 2 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक टेबल बन जाती है हर महीने के बिगनिंग में, एंड की और मिडल की। तो सबसे पहला केस हमारे पास क्या होता है, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर शुरू हर महीने के शुरू में निकाल रहा है तो शुरू में ही निकाल लिया, जैसे 1 अप्रैल को ही निकाल लिया तो हमारे पास कितना टाइम बच गया, 12 महीने पड़े हैं पूरे अभी, क्योंकि 1 तारीख को ही निकाल लिया था, प्लस लास्ट विड्रॉ हम कब करेंगे 1 मार्च को, तो पूरा मार्च का महीना पड़ा है, तो 12 + 1 डिवाइड बाई 2 एवरेज पीरियड होगा 6.5 मंथ, तो एवरी मंथ के बिगनिंग में करेगा तो 6.5 मंथ का ब्याज लगेगा। सूत्र हमारा ये वाला रहेगा, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग रेट और जितना टाइम पीरियड है वो।
एट द एंड, अगर एंड में निकाल रहे हैं हर महीने के, तो जैसे कि 30 अप्रैल को निकाला, तो 30 अप्रैल को कितना टाइम बचा है अभी, 11 महीने। लास्ट विड्रॉ कब करेगा, 30 मार्च, 31 मार्च को, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना बचा है लास्ट के बाद, क्योंकि 31 मार्च को तो हम अपने अकाउंट्स जो है वो क्लोज कर देते हैं। टाइम पीरियड 0 है डिवाइड बाई 2, तो 5.5 महीने का ब्याज यहाँ पे लगेगा, 5.5, ठीक है। एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, अगर बीच में निकाल रहे हैं, जैसे कि 15 अप्रैल को निकाला, 15 अप्रैल को निकालने के बाद 11.5 महीने पड़े हैं अभी, और लास्ट निकालेगा 15 मार्च को, तो 0.5 डिवाइड कर 6 मंथ्स। तो ये टेबल है, आपको रीड करनी पड़ेगी। एट द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है, 4 क्वार्टर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9, 12, ये पूरा ईयर हो गया, 4 क्वार्टर होते हैं एक ईयर में। अगर एवरी क्वार्टर के बिगनिंग में, यानी कि पहले से ही निकाल लिया, यहीं से निकाल लिया उसने, तो कितने महीने बचे, पूरे 12 महीने पड़े हैं अभी, क्योंकि शुरू में निकाल लिया, 1 अप्रैल को ही निकाल लिया, तो 12 महीने पड़े हैं। लास्ट कब निकालेगा वो, 3 महीने इससे पहले, 12, 11 और 10, तो वो अक्टूबर को ही निकाल लेगा, 1 अक्टूबर को ही, ठीक है, सॉरी 1 अक्टूबर को नहीं, जैसे मार्च में बंद करते हैं तो 1 जनवरी को निकाल लेगा वो, ठीक है। तो 1 जनवरी को निकालने के बाद कितना टाइम बच रहा है, 3, तो 12 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 7.5 महीने का ब्याज लगेगा। ऐसे ही एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर एंड में निकाल रहे हैं, जैसे कि एंड कब होएगा, अप्रैल, मई, जून, 30 जून को होएगा, तो कितना टाइम पीरियड बचा है, 9 महीने, प्लस एवरी क्वार्टर के एंड में निकाले, तो लास्ट क्वार्टर हमारा कब समाप्त होता है, लास्ट क्वार्टर हमारा होता है 30 मार्च को, तो टाइम पीरियड बचा ही नहीं, 31 मार्च को, तो टाइम पीरियड 0 है, तो ये हमारे 4.5 महीने का। एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडल में निकालेगा, तो वही 15 अप्रैल को निकाला शुरू का, 10.5 प्लस लास्ट कब निकाला आएगा, 15 मार्च को, 15 मार्च को नहीं, सॉरी, इन द मिडल, क्वार्टर का मिडल कब होएगा, डेढ़ डेढ़ महीना, तो हाफ डेढ़ महीना, जैसे कि मार्च का, तो फरवरी में निकालेगा ये, 15 फरवरी को, 1.5 अभी पड़ा है हमारे पास, ये हमारा 6 मंथ्स का ब्याज लग जाएगा। इस प्रकार एक केस और होता है हमारे पास, अगर हमने वो तो 1 साल के लिए विड्रॉ की थी, अगर जो ड्रॉविंग्स है वो ओनली 6 मंथ्स के लिए हो, तो और बिगनिंग में निकाल रहे हैं, तो बिगनिंग में निकाल लेगा हर महीने के, 6 मंथ्स के लिए किए, 6 प्लस बिगनिंग में ही निकाल लेगा, तो पूरा 1 महीना पड़ा रहेगा, तो 3.5 मंथ्स। इन द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड में निकालेगा, 6 महीने के लिए ही की थी, तो एक में शुरू वाले महीने के, तो एंड में उसने निकाली है, तो लास्ट बचेगा हमारे पास 5 और 6 मंथ्स के जो एंड में निकाले, एंड में निकालने के बाद हमारा टाइम बचेगा 0, 2.5। इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल में निकालेगा, तो 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई में 2, 3 मंथ्स का ब्याज लेगा। इस प्रकार एक और केस होता है हमारे पास, अगर जो ड्रॉइंग्स है वो ओनली 9 महीने के लिए की गई है, या 6 मंथ्स के लिए थी, या 9 मंथ्स के लिए, अगर बिगनिंग में निकाल रहे हैं, 9 महीने के लिए किया, साल के लिए तो की नहीं है, तो 9 महीने पूरे पड़े हैं, शुरू में निकाल लिया, लास्ट वाले महीने की 1 तारीख को ही निकालेगा, तो 1 महीना पड़ा रहेगा, यह 5 मंथ्स का ब्याज लगेगा, ठीक है। इन द एंड ऑफ मंथ, एंड में निकालेगा, तो 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 4, क्योंकि एंड में निकालते तो टाइम पीरियड हमारे पास 0 ही बचता है। इन द मिडल, मिडल में निकालेगा, तो 8.5, 0.5 डिवाइड 4.5 मंथ्स का। तो ये हमारी एक टेबल तैयार हो जाती है, एवरी मंथ की बिगनिंग, एंडिंग, मिडल की, क्वार्टरली की, और हाफ ईयरली, 6 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये हमारी टेबल प्रिपेयर होती है कि इतना इतना ब्याज लगेगा। एक और केस है हमारे पास, व्हेन गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट विद पर एनम, देन, अगर हमें इंटरेस्ट रेट के साथ में दिया हुआ है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट हमारी 10% पर एनम है, ऐसे हमें दिया हुआ है, तो हम ब्याज लेंगे 6 मंथ्स का, ठीक है। अगर हमें इसके पीछे 10% पर एनम नहीं दिया है, व्हेन पर एनम नॉट गिवन, देन 12 मंथ्स, फॉर एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल हम क्या लेंगे, जैसे कि हमें 10% दिया हुआ है ओनली, पर एनम तो लिखा हुआ नहीं है, तो हम पूरे साल का ब्याज चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कि हम अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट और ड्रॉइंग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास अमाउंट डिफरेंट होगी, अलग अलग डेट भी डिफरेंट होगी, तो हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करेंगे। जब हमारे पास अमाउंट सेम होगी और हमें एवरी मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, बिगनिंग, मिडल और एंडिंग के अकॉर्डिंग दिया होगा, तो हम इंटरेस्ट ऑफ हम ड्रॉइंग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो इससे रिलेटेड सम्स हैं जो आपको करने हैं,
ये जो 21 है सम है, इलस्ट्रेशन 21 है, इसके अंदर सभी केसेस दिए हुए हैं, ये आपको सोल्व करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिलेटेड जो सम है वो हमारे 27 तक है, ये सम आपको 27 तक सोल्व करने हैं। थैंक्स।